नमस्कार दोस्तों, आज हम कांदीवली पूर्व विधानसभा में खड़े हैं। हमारे साथ समाज सेवक और राजनेता इस समय यहाँ पे मौजूद हैं, राजेश दुबे जी। राजेश दुबे जी समाज सेवा के लिए काफ़ी पहचाने जाते हैं। उनका मानना है कि क्षेत्र की जनता का हमेशा समाज सेवा करते रहते हैं और वो उत्तर भारतीय मोर्चा कांदीवली विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि वो क्षेत्र में जो विकास की काम है, जनसेवा है, किस तरह से वो करते हैं, कैसे जुड़े हुए हैं जनता से। जनता से तो मैं काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ हूं और जनता खुश भी है। हमारी पार्टी ने हमारे विधायक जी, नगर सेवक शिवकुमार झा जी और सांसद गोपाल सेट्टी जी ने बहुत जो है वर्क किया है और जिसकी जो है सराहना हम करते हैं। गर्व है मुझे कि मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं। हर जगह विकास ही विकास हुआ है इस हमारे वार्ड में, या पूरे विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं तो। विधानसभा में जो है काम सभी सांसद और विधायक और नगर सेवक के फ्रंट से जितने भी गली हैं, कूचे हैं, कोई गली कूचा जो है बाकी नहीं रह गया है। और यहाँ तक कि मंदिर का भी सेट जो है जो बनाया गया, ये हमारे विधायक जी के फंड से जो है बनाया गया है। आपके क्षेत्र की जनता की मांग है, कई लोगों का कहना है कि राजेश दुबे जी समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, वो सक्रिय रूप से राजनीति में आए, चुनाव लड़े। ठीक है, देखिए ये जनता जनार्दन है, कब किसका मूड कहाँ जो है मतलब बदल जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। उनको मेरे किए हुए क्रियाकलापों पे, कार्यों पे जो है उनको थोड़ा सा विश्वास हुआ होगा, इसलिए जो है आपके सुनने में आया कि जो है मतलब मैं राजनीति में आऊं और पूर्ण रूप से चुनाव लड़ूं। तो ये शीर्ष नेतृत्व, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और हमारे सांसद गोपाल सेट्टी जी और विधायक अतुल भातलकर जी के मार्गदर्शन में जो भी आदेश होगा उसका मैं पालन करूंगा। वर्तमान समय में महाअघाड़ी है और तैयारी चल रही है लोकसभा चुनाव की, इसको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे जनता? इसको लेकर जनता को यही संदेश देना चाहूंगा कि मैं ये चाहता हूं कि अब की बार 400 पार, और उसके लिए हमको जो है पूरी ताकत झोंकनी है। ये तब संभव है जब पार्टी के हर एक कार्यकर्ता घर घर अभियान शुरू करेंगे और कमल के फूल को अपना निशान समझते हुए लोगों तक जो है किए हुए कार्यों के, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के किए हुए कार्यों को जन जन तक पहुंचाना, उनको बताना, उनको समझाना और अपने खास करके जो बूथ है उस बूथ को मजबूत करना, यही एक लक्ष्य है और इस लक्ष्य पर ध्यान दें, यही मैं कहना चाहूँगा। आज केंद्र सरकार द्वारा जो कानून पेंडिंग था CA, उसको लागू करने की प्रक्रिया चल रही है, काफ़ी देश के कई हिस्सों में उसका विरोध भी चल रहा है, इस बारे में आपकी क्या प्रक्रिया? अगर विपक्ष में भाई, विपक्ष जो अपना काम करेगा ही, उसको जो कहना है वो कहेगा ही, लेकिन जहाँ तक मेरी राय है या बात पार्टी लेवल की है तो उन्होंने सीए को लागू किया तो कुछ सोच के ही लागू किया है कि वो देश हित में है। आने वाले दिनों में महानगर पालिका चुनाव में अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे, क्या इशू होंगे, किन जीत के आने के बाद किन समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं? मैं जीत के आने के बाद या जो है ये तो अभी पार्टी ने कुछ तय नहीं किया है तो मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा कि मैं जीत के आऊंगा कि नहीं आऊंगा। जिस समय टिकट मिलेगा उस समय जो है मतलब हम क्या करना है उस समय हम खोलेंगे, राज को खोलेंगे। आप सुन रहे थे, हमारे साथ राजेश दुबे जी थे।
इन्होंने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर अपनी बेबाक राय रखी, केंद्र सरकार द्वारा जो नया कानून लाया जा रहा है उसके बारे में अपनी राय रखी है, जो यहाँ की वर्तमान राजनीति है, लोकसभा चुनाव आ रहा है उस पर जो विजन है बीजेपी का उस पर अपनी बातें कही हैं। आने वाले दिनों में क्षेत्र की जनता इन्हें स्थानीय निकाय चुनाव महानगर पालिका का लड़ने की जो मांग कर रही है उस पर भी इन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व तो जो कहेगा हम उस पर विचार करेंगे। जटाशंकर सिंह, मेट्रो इंडिया न्यूज़, मुंबई।